छेद करना है तो कुछ तो हथियार चाहिए। क्या है हथियार? ये हथियार है, बस एक पेपर। आपको एक पेपर छोटा सा ले लेना है और इस पेपर को आप, जैसे मैं दिखा रहा हूं, आप पकड़ो इसको, या आप इस पेपर को भी पकड़ सकते हैं धीरे से ऐसे, और जैसे मैं दिखा रहा हूं बिल्कुल उसी प्रकार आपको मेरे साथ करना है प्रयोग को। क्या करेंगे आप, इसको छोटा सा ऐसे सिलेंडर बनाएंगे, छोटा सा सिलेंडर बनाएंगे। बना दिया सिलेंडर, बहुत अच्छा। अभी इसको मैंने ऐसे पकड़ा है, सिलेंडर को संतोष जी ऐसे पकड़ो कि यहाँ एकदम उसकी मुंडी दबा दे, ऐसे नहीं, एकदम धीरे से पकड़ना है, ठीक है। बाद में ये जो आपका दाहिना हाथ है, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, एक पेपर का पहले सिलेंडर बनाया। जिसके पास पेपर है सबका सिलेंडर अगर हो गया है तो आगे चलते हैं। सिलेंडर बनने के बाद आपको ये जो दाहिना हाथ है इस हाथ को नीचे रखना है धीरे 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 धीरे। अभी आपका ये सिलेंडर सीधा इस प्रकार से, मतलब क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल है, समांतर है पृथ्वी को। इसको हम सीधा करेंगे, वर्टिकल करेंगे ऐसे, ठीक है संतोष जी। देखिए आप बराबर कर रहे। अभी आपका जो लेफ्ट हैंड, मतलब जो बाया हाथ है, उसका अंगूठा थोड़ा सा हिलाइए आप मेरे साथ। हिल रहा है, बहुत अच्छा। अभी दाहिना हाथ धीरे 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 ऊपर उठाए, जैसे आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। सभी बच्चे हाथ उठा रहे ऊपर। अभी आप क्या करेंगे, इस हाथ को ऐसा घुमाएंगे। अभी इस वक्त हम कुछ नहीं देंगे आपको, आप इतने दूर है, मैं कुछ दे भी नहीं सकता इच्छा होने के बाद भी। अब क्या करेंगे, ये जो अंगूठा है जो हिल रहा है, इस अंगूठे के ऊपर इस हाथ को धीरे धीरे रखेंगे। रखिए संतोष जी, बहुत अच्छा। ये अंगूठा भी चिपकाना है यहाँ इस प्रकार से, जैसे संतोष जी कर रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार बच्चों आप सभी को करना है। आगे चलते हैं संतोष जी। अब ये ऊपर का सिलेंडर का जो सिरा है वो खाली है। अभी दोनों के दोनों जो आंखें हैं उसको बंद नहीं करना है, खुली रखनी है। फिर से सुनो बच्चों, दोनों आंखों को बिल्कुल खुला रखना है, एक भी आंख बंद नहीं करनी है। और क्या करेंगे, हमारा ये जो ऊपर का सिलेंडर का जो ऊपरी हिस्सा है उसको बाएं आंख में लगाएंगे, पूरा पूरा बाएं आंख में लगाएंगे, पूरा बाएं आंख में आप लगाएंगे। और अभी नहीं नहीं, ये हाथ तो ऐसा ही रखो। अभी आप क्या करो, सिलेंडर के माध्यम से सामने जो आपने कैमरा भाई खड़े हैं, कैमरा मित्र, कैमरा पकड़कर जो भाई साहब खड़े हैं उनको देखना है आपको, और दूसरे आंख से यहाँ देखना है, इस हथेले पर देखना है। और संतोष जी अभी बताइए, क्या आपको आपके इस हथेले के बीच में से कैमरा कैमरामैन दिख रहा है, कैमरा भाई साहब दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। फिर से यहाँ छेद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हाँ छेद दिख रहा है यहाँ से, ये थोड़ा दूर, थोड़ा एकदम पूरा आंख खोल खोल दो आप ऐसे। थ्रोदा आया है आपको, वहां जो कैमरा के साथ अपने भाई साहब खड़े उनको देखना है, दिख रहे हैं? और दूसरे आंख से हथेली को देखना है। अभी आप बताइए, हथेली के मध्य से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हथेली को छेद दिखाई देगा, मतलब अभी संतोष जी ने निकालिए संतोष जी, और आप बच्चों को बताइए आपको कैसा क्या दिखा, कहाँ दिखा छेद? उंगलियों के बीच से दिखा, मतलब ये जो यहाँ हथेली है, इस हथेली को यहाँ बीच में छेद दिखाई देता है। बच्चों इस प्रयोग को फिर से एक बार समझने की कोशिश करो, आप कर सकते हैं। क्या किया था मैंने, बस एक सिंपल पेपर ले लिया है और कुछ नहीं है। इससे मुझे एक चीज और आपको बतानी है, कितनी भी सिंपल चीज हो मित्रों, उसका कुछ ना कुछ उपयोग होता है। कुछ भी चीज फेंकने जैसी नहीं रहती है, उसमें से हमें कुछ नया कर सकते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात, आप एक केवल पेपर के सहायता से कर सकते हैं, केवल एक पेपर। क्या किया मैंने, बस एक पेपर न्यूज पेपर का ले लिया और इस पेपर को इस प्रकार से सिलेंडर बनाया। सिलेंडर बनाने के बाद इसको ऐसा सीधा सामने खड़ा रख दिया, फिर उसके बाद धीरे 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 इस हाथ को नीचे रख दिया, फिर उसके बाद इसको सीधा कर दिया, थोड़ा सा लेफ्ट अंगूठे को हिलाया था, बाद में इस हाथ को ऊपर उठाया, इसको घुमा दिया अंगूठे के ऊपर, यहां रख दिया। अब ये जो सिस्टम है इसको बदलना नहीं है। फिर से सुनिएगा, आप क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट आय है, बाया आंख, इस बाया आंख को सिलेंडर का ऊपरी सिरा पूरा लगाएंगे, बाया आंख खुला रखेंगे, दाहिना आंख भी खुला रखेंगे,
बाएं आंख से सिलेंडर के थ्रू सामने जो भी आपको दिख रहा है उनको देखिए, मुझे आपकी मेरे कैमरा मन मित्र जो है वो वहां पर दिख रहे हैं सामने, और दूसरा आंख से हथेली पर देखना है, और बड़े स्पष्टता से मुझे ये मालूम हो रहा है कि मेरे ये जो हथेली है दाहिनी हथेली राइट साइड की हथेली उसके ऊपर बीच में यहाँ पर छेद दिखाई देता है। कितनी सिंपल बात है, देखिए संतोष जी, ना तो आपको खून आ गया, ना तो दर्द हुआ, ना हमने एनेस्थीसिया दे दिया, फिर भी हथेले को छेद हो गया। आप भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब आप मित्र जरूर आप ये पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, बैठिए संतोष जी, ऐसा क्यों होता है? इसका एकदम सिंपल रीजन है, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि हमारे शरीर में ये जो ब्रेन होता है, ये जो मस्तिष्क होता है, ये बड़ा सुरक्षित रखा है, और ये ब्रेन ही नहीं होता तो कितनी मजेदार बात है, किसी को केवल आंखें हैं और ब्रेन नहीं है तो कोई काम का नहीं है, आंखें भी चाहिए और ब्रेन भी चाहिए तो ही हम सामने देख सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, नॉर्मल तरीके में अगर मैं आपको ये पूछूं, बच्चों कितने पेन हैं? संतोष जी कितने पेन आपको दिख रहे हैं? एक ही पेन दिख रहा है। तो ये बचपन से ही हम सीखते हैं, बचपन से ही हमारा कंप्यूटर, हमारा ब्रेन का जो कंप्यूटर है उस प्रकार से प्रोग्रामिंग होता है, हमें पता चलता है। लेकिन इसमें मजेदार बात है, कैसे संतोष जी देखिए, आप तो कह रहे हैं एक पेन है, लेकिन इस पेन की प्रतिमा आपके बाएं आंख पर भी जा रही है और दाहिने आंख पर भी जा रही है। मतलब हमारे शरीर में आंखों के अंदर दो आंखें हैं, यहां पर भी है, यहां पर भी है, और आंखों के अंदर जो रेटिना होता है, बाएं आंख के रेटिना के ऊपर भी इसकी प्रतिमा आ रही है, रेटिना मतलब दृष्टि पटल, और दाहिने आंख के दृष्टि पटल के ऊपर भी इसकी प्रतिमा आ रही है। मतलब दो प्रतिमाएं बन रही है, पेन तो एक ही है, फिर भी हमारा ब्रेन कैसे कहता है कि एक पेन है ना मजा? इसे कहते हैं कंबाइंड विजन, मतलब दोनों आंखों से संदेश ब्रेन के पास पहुंचता है और ब्रेन हमें बताता है कि पेन कितने हैं। यहां तक तो ठीक है, ये रोजमर्रा की बात है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, जैसे हमारे आदरणीय गुरुजी अगर हमारे सामने आते हैं तो हम तुरंत उनको कहते हैं नमस्कार गुरुजी, सर नमस्कार, सर गुड मॉर्निंग, जो भी है उनको अपन किस करते हैं। कोई विद्यार्थी अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, जिसके साथ झगड़े है, तो आपको तुरंत गुस्सा आता है, तो ये ब्रेन को अपने आप प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है। अब अभी जो प्रयोग हम लोग कर रहे थे संतोष जी हम मिलकर, हमने क्या किया था, हमने हमारे ब्रेन को ही डिसीव करने का प्रयत्न किया। मतलब क्या किया, इस दृष्टि पटल के ऊपर यहां पर जब मैंने ये सिलेंडर पकड़ा था तो बाएं आंख के दृष्टि पटल के ऊपर मुझे सामने जो हमारे कैमरामैन मित्र खड़े है उनकी प्रतिमा आ रही थी, और ये जो हाथ यहां पर रखा था, इस हाथ की हथेले की प्रतिमा मुझे दाहिने आंख के दृष्टि पटल के ऊपर आ रही थी। दोनों आंखों ने यह संदेश ब्रेन तक पहुंचा, तो ब्रेन में पूरा कंप्यूटर वो फ्लॉपी है ऐसे गर 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 घुमा के देखा, अरे यार पहले कोई ऐसा है क्या, यहाँ एक अलग दिख रहा है, यहाँ एक अलग दिख रहा है, ये क्या बात है, ये ऐसा तो कोई नहीं है, जान दो आपने क्या करना है, दोनों को मिक्स कर दो। तो वो हमारे मस्तिष्क दोनों को मिक्स करता है, इस आंख से जो प्रतिमा दिख रही है उसको भी और इस आंख से प्रतिमा जो दिख रही है उसको भी, क्योंकि नॉर्मल वो ऐसा करता आता है। इसके कारण एक कंबाइंड विजन के कारण हमें इस हथेली को छेद दिखाई देता है ना।